नमस्कार दोस्तों, मायालोट एक खोज में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं राकेश शर्मा मुखातिब हूँ एक नई जानकारी के साथ, आयुर्वेदिक जानकारी के साथ। तो दोस्तों, हम तमाम तरह के हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, बाजार से खरीदते हैं महंगे से महंगा हेयर ऑयल जिसके अंदर मात्र तारपीन या जो है एक खुशबू के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से हम आयुर्वेदिक तरीके से घर के अंदर बहुत ही बेहतरीन हेयर ऑयल तैयार कर सकते हैं अपने बालों के लिए। आप मेरे बालों पर मत जाइएगा क्योंकि मेरे बाल जो है ये नुस्खा पता चलने से पहले ही उड़ चुके थे, लेकिन मुझे देरी से पता चला। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रूर इसे करें। अगर इसे सही समय पर हम इसका इस्तेमाल शुरू कर दें तो आजीवन हमारे बाल जो है घने और लंबे बने रहेंगे। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से हमें ये, मैं आपको दिखाऊँगा कि ये देखिए, ये नारियल का तेल है, मैंने लिया है 1 लीटर और मैंने इसमें ये नारियल तेल डाल दिया है इस तरह से। नारियल तेल डाल दीजिए मैंने इसमें लगभग इंग्रीडियंट्स कौन से यूज़ करने हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, ये जो है जवा का फूल है, इसे गुड़हल भी कहते हैं, हेबिस्टस भी कहते हैं, और ये हेयर फॉल को रोकने के लिए बहुत ही मुफीद होता है, कारगर होता है और बालों को ये जो है दोबारा रीग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो हमें एक तो ये लेना है हेबिस्टस फ्लावर, ये आपको मिल जाएंगे आसानी से, और फिर उसके बाद हम कड़ी पत्ता ले सकते हैं, कड़ी पत्ता भी बड़ी आसानी से उपलब्ध होता है घरों में, और फिर आंवला है। आंवला तो आप जानते हैं बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जो चौथा इसमें हमने लिया दोस्तों, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये प्याज का रस है। प्याज के अंदर जो है सल्फर होता है और सल्फर जो होता है हमारी हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, बालों को झड़ने से रोकता है। और मैंने प्याज को काट करके मिक्सर में पीस लिया था, पेस्ट बना करके फिर इसे कपड़ छान कर लिया, कपड़े में छान लिया है और एक इसका जो रस है मैंने निकाल लिया है प्याज का रस। और फिर दोस्तों ये मेथी दाना है, ये भी बहुत अच्छा होता है हेयर ग्रोथ के लिए। और हम इसके अंदर मिलाएंगे कोई भी अप्राकृतिक जो है इसमें वो खुशबू नहीं मिलाएंगे, बल्कि इसमें देसी कपूर जो होता है भीमसैनी कपूर वो इसके अंदर लास्ट में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा। तो इस तरह से आप एक बहुत ही बेहतरीन जो है हेयर ऑयल तैयार कर सकते हैं अपने घर में जो कि बिल्कुल प्राकृतिक होगा। देखिए ये इस तरह से हमने अब इसमें फूल डाल दिए हैं, इसके अंदर फूल डाल देंगे हम और इन फूलों को इस तरह से आप डाल दें। तो अंदाजे से जैसे 1 लीटर मैंने लिया है ये ऑयल, 1 लीटर में आप यदि 8-10 फूल भी डाल देंगे तो मेरे हिसाब से काफ़ी होंगे, ये मैंने डाल दिए हैं। अब इसके बाद हमने कड़ी पत्ता इसमें डाल देंगे दोस्तों, कड़ी पत्ता डाल दिया मैंने। और फिर उसके बाद हम प्याज का रस जो है इसमें मिक्स कर देते हैं। देखिए इस तरह से हमने डाल दिया है प्याज का रस। और फिर आंवला, चाकू आंवला जो है आंवले को हम काट के छोटे छोटे इसके पीसेस जो है इसके अंदर हम डाल देंगे, आंवले के पीसेस को डालेंगे। आंवले के पीसेस डाल देंगे और फिर इसमें मेथी दाना हम डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, गर्म होता है। तो दोस्तों आपने देखा मैंने इसके अंदर ये सब तमाम चीज़ें डाली हैं और अब इसको डालने के बाद लगभग जो है 1.5 से 2 घंटे तक हम इसको 1.5 घंटे तक कम से कम खोलने देंगे, जब तक कि जो जो इसमें हमने डाला है, अभी मैं आंवला और इसमें डालूँगा, तो जब वो खोल करके ये समझिए कि जब ये आंवला जो है इसमें हरा है अभी और जब ये ब्राउन कलर का हो जाए बिल्कुल पक करके काला काला सा हो जाए तो आप समझिए कि ये जो हमारा तेल है तैयार है।
फिर उसके बाद हम छान करके इसमें थोड़ा सा देसी कपूर मिलाएंगे। तो बाद की प्रक्रिया अभी हम इसे उबलने देते हैं। तो दोस्तों लगभग हमें 1.5 से 2.25 घंटे हो गए हैं और हमने ये जो है उबलने के लिए रखा था खोलने के लिए। और अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ज़रा आप इसे अच्छे से दिखाएं कि इसका जो कलर है एकदम चेंज हो गया। इस तेल का जो हमने बनाया था एकदम ग्रीनिश डार्क ग्रीन कलर हो चुका है। और ये जो आंवले हमने डाले थे, देखिए आप, ये भी पक के एकदम काले हो गए हैं कोयले की मानिंद। तो यही वो स्थिति है, जबकि हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमने जो भी इसमें तत्व डाले थे वो अच्छे से इसमें जज्ब हो चुके हैं, समा चुके हैं और हमारा तेल जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो अब इसमें मैं अभी आपको थोड़ा सा हम आखिर में इसमें देसी कपूर डालेंगे। बाज़ारों में मिलने वाला जो तेल होता है उसमें तारपीन डाला जाता है जो कि आप कैंसर तक कर देता है और खोपड़ी सिर के बाल जो है वो एकदम गंजे कर देता है। तो इसमें जब हम देसी कपूर डालेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही बेहतरीन तेल बनने जा रहा है, होने जा रहा है। और एवरी टाइम आप इसको जब यूज़ करेंगे, सिर पर बालों पे लगाएंगे, तो इसकी जो महक है कपूर की, और वो भी देसी कपूर की, वो बहुत ही बेहतरीन है। खुशबू को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसलिए मैं आपको कैमरे में उस चीज़ को परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही बेहतरीन खुशबू इसमें से आ रही है, एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट सारे। और ये हमारा तेल तैयार, अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा इसमें डाल के कि इसका कलर कैसा उभर करके आया है। ये देखिए, ये मैंने इसमें तेल डाला है और ये देखिए इस तरह से इसका जो है दोस्तों कलर जो है निकल के आया है तेल का। तो ये जो आपने तेल बनाया है हमने घर में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा तेल आपको ना तो कहीं बाज़ार में मिलेगा और ना ही, क्योंकि ये पूरा आयुर्वेदिक तरीके से बनाया गया है और गृह निर्मित है, बहुत ही बेहतरीन है। तो अब इसके बाद हम इसे बंद कर देंगे और इस तेल को जो है इसमें पड़ा रहने देंगे लगभग 1.5-2 घंटे तक, जब ये ठंडा हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसे छान के प्रिजर्व कर लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन जानकारी थी जो मैंने आपको दी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत करते हैं आप तक इस तरह के वीडियो पहुँचाने के लिए। तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ दोस्तों, फिर हाजिर होऊंगा किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।